लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच बड़वानी कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, जहां वे मरीजों को मोटिवेट करने के साथ ही उनके परिजनों के लिए भोजन का इंतजाम भी कर रहे हैं। इसके साथ ही डिस्चार्ज होने वाले मरीजों को पौधा देकर ऑक्सीजन का महत्व भी समझाया जा रहा है। देखिए यह खास रिपोर्ट। जिले में कोरोना कर्फ्यू के चलते पिछले एक सप्ताह में कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई है, जिसको लेकर कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने उम्मीद जताई है कि जल्द सब कुछ सामान्य हो जाएगा। हालांकि कलेक्टर लगातार हॉस्पिटलों का दौरा कर भर्ती मरीजों सहित उनके परिजनों को मोटिवेट करते रहते हैं। ये देखा जाता है कि मरीज और उनके अटेंडेंस वगैरह हैं, उनसे जब लगातार बात करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, तो वो ठीक हो रहे हैं। और अभी 2-3 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि हमारा आशाग्राम हो, चाहे ट्रॉमा सेंटर हो, हमारे जो डॉक्टर्स वगैरह भी ये लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। और ऐसे लोग भी ठीक हो रहे हैं जिनका सीटी स्कोर 25 में से 25 था। ऐसी महिला जो एक ट्रॉमा सेंटर में मिली आज मेरे को, एक दूसरी महिला एक और थी जो जिसका 80% मतलब उसका सीटी स्कोर था, उसके दोनों महिला आज ठीक हुई हैं। मैंने दोनों को एक 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 पौधा मैंने गिफ्ट दिया है और उनको बताया कि ये इसकी बड़ी वैल्यू है, इस पौधे ये ऑक्सीजन की वैल्यू अब समझ में आ रही है कोरोना काल में। तो मैं ये देख रहा हूँ कि लगातार भ्रमण करने से लोगों को भी काफ़ी चीज़ें, उनको समस्याएं तो वो भी हल होती हैं और लोगों को और हमारे जो फील्ड स्टाफ है, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, हेल्थ पूरा ये पूरी टीम, इनको भी बहुत अच्छा लगता है। और मेरे को लगता है कि कोई समस्या है तो उनको हल करने के लिए हम लोग लगातार भ्रमण करते रहते हैं। मैं भी, मेरे सारे अधिकारी अस्पतालों में भी जा रहे हैं और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिकवर होकर घर जाएँ। तो ये इस ज़िले में देखने को मिल रहा है कि क्रिटिकल केस भी ठीक होकर जाने लगे हैं। ये अच्छी मतलब एक सुकून देने वाली है कि कोई व्यक्ति यदि घबराता है, उससे दो ठीक से बात कर लो और वो ठीक होने लगता है। तो ये सब हमारे पूरी टीम काम अच्छा काम कर रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे हमारे ज़िले का जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी काफ़ी कम हो रहा है और हमारे अस्पतालों पर भी लोड कम होगा और हम अभी जो इलाज दे रहे हैं उससे भी अच्छा इलाज पेशेंट को दे पाएँ, ऐसा हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे, हमारे पास में पर्याप्त ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वगैरह भी हैं। तो अभी पिछले एक सप्ताह से काफ़ी अच्छी स्थिति बनी है और भी हम स्थिति को बेटर करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, ये चूंकि बहुत इसलिए ज़रूरी है कि हम देख रहे हैं कि हमारे पूरे ज़िले में, प्रदेश और देश में ऑक्सीजन की जो मारामारी मची हुई है, पेशेंट की संख्या लगातार बढ़ रही है, इतनी ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। और हम जानते हैं कि एक पौधा जो बाद में पेड़ बनता है, वो अपने पूरे जीवन काल में करोड़ों रुपये की ऑक्सीजन देता है हमको। जब हम अच्छा पौधे लगाएंगे, संख्या में ज़्यादा पेड़ बनेंगे, तो ऑक्सीजन की उपलब्धता की वैसे भी हम लोग काफ़ी अच्छा फील करते हैं। आप देखो जहाँ पर जो इसमें आशाग्राम में एक खुला हुआ अस्पताल है, DDRC है, आसपास में अच्छी संख्या में पौधे हैं, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर आते ही पेशेंट्स को एक अलग फील होता है और एक नेचुरल जो ऑक्सीजन है इनको मिल रहा है। तो इस पौधे की बहुत अहमियत है, इसलिए हम सभी को पौधा दे रहे हैं कि वो जाकर पौधा अवश्य लगाएं। इतना ही नहीं, ऑक्सीजन का महत्व समझाने के लिए अस्पताल से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों को कलेक्टर पौधा भेंट कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, बड़वानी।